नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। बॉश डोज़र को रिपेयर करने की मशीन या उसकी ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CB18 पंप के बारे में जो अभी हमारे सामने स्क्रीन पे है, और इस पंप के बारे में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली जो लगा हुआ है अशोक लीलैंड में। और अशोक लीलैंड में ये आपको ई कॉमेट गाड़ी में मिल जाएगा, और ज़्यादातर अशोक लीलैंड के हर मॉडल में आपको ये देखने को मिलेगा। बड़ी गाड़ी जो उसकी आती हैं 31-18 या जो बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं उसमें भी आपको CB18 पंप हाइवा वगैरह में देखने को मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे क्या करनी है, एक पर्टिकुलर फॉल्ट है जिसने काफ़ी लोगों को तंग किया हुआ है, P1110 ये फॉल्ट आता है और ये फॉल्ट जाता नहीं है। गाड़ी में बहुत ज़्यादा लेट स्टार्टिंग होती है, गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम होती है, साउंड सही नहीं आता गाड़ी का, और गाड़ी जो है बिल्कुल भी ठीक स्थिति में नहीं चल पाती है। और ये फॉल्ट जो है समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हम इरेज करें, कैसे हम इसे ECU की मेमोरी में से डिलीट करें। तो पहली बात, आजकल मैं ज़्यादा वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो कमर्शियल व्हीकल का स्कैनर होता है जाल टेस्ट वो लिया है, और उसको चलाने में उसको समझने में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसलिए ये आज वीडियो मैंने इस पर्टिकुलर उस पर इस कोड पर बनाई है क्योंकि आज हमारे पास ये केस आया था। और कैसे वो रिजॉल्व हुआ मैं ये बताना चाहूँगा ताकि सभी भाइयों को हमारे मदद मिले। गाड़ी ई कॉमेट थी तो हमने उसे स्कैन किया और वही हमें कोड मिला P1110। अब ये फॉल्ट कोड गाड़ी में क्यों आया और इस फॉल्ट कोड का आने का मतलब क्या है? जब भी हमारी गाड़ी ओवर रेस हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंजन में जो है फ्लाई व्हील लगा रहता है, जो फ्लाई व्हील जो है वो इंजन की क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो जब भी हमारा ये फ्लाई व्हील ओवर रेस हो जाएगा पैडल के हिसाब से, क्योंकि रेस कब होना होता है फ्लाई व्हील को, जब जो हमारा एक्सलरेटर जो पैडल है वो दबेगा जब, तब फ्लाई व्हील को जो है चक्कर मिलते हैं ज़्यादा। लेकिन एक्सलरेटर की पोजीशन वही है और फ्लाई व्हील ओवर रेस हो रहा है और गाड़ी की स्पीड भी एकदम से जो है बढ़ रही है, तो उस समय जो है ECU समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, बिना रेस के जो है गाड़ी खाम का ही एक लिमिट से ज़्यादा ओवर रेस कर गई है। तो अब इस समय अगर मैं इंजन को शट डाउन नहीं करूँगा तो हो सकता है क्रैंक या हेड के वाल्व जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर रेस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर अपना बैलेंस खो बैठती हैं और डैमेज हो जाती हैं। तो उस डैमेज को रोकने के लिए ECU यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है सभी सेंसर्स को जो गाइड करता है, जो सभी सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता है और एक्चुएटर को गाइड करता है, तो वो फिर पंप के इस एक्चुएटर को, जिसको आप देख रहे हैं जिसे हम मीटरिंग यूनिट कहते हैं, इसको जो है जो सप्लाई वोल्टेज जानी चाहिए वो बिल्कुल जो है आधी कर देता है। तो ये गाड़ी जो है बंद होने के कागार पे जो है आ जाती है और फिर बहुत लेट स्टार्ट होती है, इसकी आवाज़ बदल जाती है, और उस पोजीशन में तो गाड़ी खैर बंद ही हो जाती है जब इंजन ओवर रेस होता है और ECU जो है हमारा डिटेक्ट कर लेता है इस चीज़ को। तो दोबारा जब गाड़ी आप स्टार्ट करोगे बंद करके तो वो फिर गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, लेट स्टार्ट होगी और फिर ये फॉल्ट कोड आ जाएगा P1110। ये P1110 को जब आप पढ़ोगे तो आगे इसमें जो है प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व के बारे में लिखा होगी कि प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व जो है कई बार खुल रहा है बंद हो रहा है, कई बार जो है खुलता है और बंद होता है एक ही स्थिति में, यानी प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व हमारा ये मीटरिंग यूनिट। अब ये मीटरिंग यूनिट जो है कई बार खुल रहा है और बंद हो रहा है, ये मीटरिंग यूनिट जो है कई बार खुलता बंद नहीं होता खड़ी गाड़ी में बिना किसी रीज़न के, यानी जब तक हम एक्सलरेटर को नहीं दबाएंगे तब तक ये एक ही पोजीशन में रहना चाहिए, ओपन क्लोज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है,
तो ये जो प्रेशर जाता है रेल में, अगर आप देखोगे तो रेल की जो वापसी है, जहाँ से डीजल बिल्कुल नहीं आना चाहिए वहाँ से डीजल बहुत ज़्यादा बह रहा होगा। वो क्यों बहता है? क्योंकि ये प्रेशर को हाई लो करता रहता है। तो रेल के अंदर जो है प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ से डीजल जो है निकलता रहता है लगातार, तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व की तरफ से। प्रेशर रिलीफ वॉल्व कैसा दिखता है? ये हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल्व है जो रेल के अंत में लगा रहता है। तो ये जो है कॉमन रेल में से, ये हमारी अगर कॉमन रेल है और यहाँ पे ये वॉल्व लगा रहता है, यहाँ पे वापसी है, तो वापसी में से डीजल बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में जो है P1110 की कंडीशन में वापसी में से डीजल निकलता ही रहेगा और गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल बेकार लगेगी, बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाहट जो है गाड़ी में बनेगी। तो जब आप P1110 को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, तो वहाँ पे लिखा होगा प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व के बारे में। अब उस चक्कर में जो है पंप खुल जाएगा, पंप टेस्ट हो जाएगा, ये मीटरिंग यूनिट जो सही होगा वो भी बदल दिया जाएगा। फिर जब इससे पार नहीं पड़ेगी तो फिर अंत में क्या होगा कि ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है उसको चेंज कर दिया जाएगा। और फिर जब बिल्कुल ही नहीं हो रही तो ये जो है हमारा जो प्रेशर सेंसर है उसको भी जो है चेंज कर दिया जाएगा कि भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको चेंज करके देखो। तो कुल मिलाकर के जो है सब परेशान रहते हैं, तुक्केबाजी चलती रहती है। पर असल बात यह है कि जो P1110 है वो सिक्योरिटी कोड है अशोक लीलैंड का। P1110 सिक्योरिटी कोड है अशोक लीलैंड का। वो सिक्योरिटी कोड का मतलब क्या है कि आपके मीटरिंग यूनिट को सही तरीके से जो सप्लाई दी जानी चाहिए ECU से, जो ECU सप्लाई देता है इसको, वो सप्लाई इसको सही तरीके से नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ECU डिटेक्ट कर चुका है कि भैया गाड़ी में कुछ दिक्कत है, कोई इंजन ओवर रेस हुआ या ऐसी कोई बात है, तो उसको सही किया जाए। और सही करने के बाद भी ये जो है ECU में से इरेज नहीं होगी, आपको अंत में अशोक लीलैंड के डीलर पॉइंट पे जाना पड़ेगा। उनके पास एक अलग से डिवाइस है, स्कैनर नहीं है, अलग से डिवाइस है जो वो ऑनलाइन ले करके अशोक लीलैंड के सर्वर को P1110 जो है वो इरेज करेंगे आपके ECU में से। और जब ECU में से वो इरेज होगी तभी जो है आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। असल में वो दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करेंगे ECU की ऑनलाइन लेकर के, तभी आपका P1110 जो है वो फॉल्ट कोड जाएगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जब ये फॉल्ट कोड आए बिल्कुल भी अपना दिमाग इसमें एक्स्ट्रा नहीं चलाना है, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। आज ऐसा ही कुछ हुआ और अंत में जो इसकी सॉल्यूशन निकला वो इसी तरीके से पूरी तरीके से जो है गाड़ी में से वो P1110 जो है इरेज हो गया और गाड़ी बिल्कुल जो है सही पॉइंट पे आ गई एकदम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से स्कैनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी आपको ला के दिखाता रहूँ। धन्यवाद।